नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सीएससी बीएलई भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर सीएससी बीएलई भाइयों के लिए कमीशन के रेट को बढ़ाया गया और वहीं पर कमीशन अब सीएससी बीएलई भाई के डायरेक्ट अकाउंट में पे किया जाएगा, ना कि डीजीपे में। तो क्या है सीएससी के बड़ी अपडेट, किसके लिए आपको कमीशन बढ़ाया गया, इस सारे स्टेप को जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर डेली बाय डेली अपडेट होती रहती है। बीएलई भाइयों, इसी के अंतर्गत जब भी आप टेली लॉक के लिए रजिस्ट्रेशन करते थे तो आपको 30 रुपये का कमीशन दिया जाता था, वहीं सरकार की तरफ से या फिर सीएससी की तरफ से आपको इसके लिए 65 रुपये का कमीशन दिया जाएगा और यह भी कमीशन आपके डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। बेल भाई, यह जो कमीशन सीएससी की तरफ से आपको दिया जाएगा सीधे आपके अकाउंट में दिया जाएगा। पहले के जितने भी कमीशन दिए जाते थे आपके डीजीपे में या फिर सीएससी के वॉलेट में दिए जाते थे, लेकिन अब जितने भी पेमेंट आपको या फिर जितने भी कमीशन सीएससी की तरफ से आपको दिया जाएगा वह आपके अकाउंट में दिया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट को मैं ओपन कर लेता हूं। सीएससी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, मेरे टेलीग्राम में आप जाके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। बहुत ही हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि टेली लॉ सर्विस के अंतर्गत कमीशन में कुछ बदलाव किया गया, अब बीएलई कमीशन 65 रुपए हो गया है। बदले हुए कमीशन 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। पीएलबी कमीशन अब पीएलबी के अकाउंट में डायरेक्ट किया जाएगा। सभी बीएलई अपने पीएलबी के निम्नलिखित विवरणों को नीचे दिए गए लिंक के जरिए अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया गया जहाँ पर आपसे कुछ जानकारी को मांगी गई है, जहाँ पर इस जानकारी को आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद जितने भी आपके टेली लॉग संबंधी कमीशन थे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर आपका सीएससी आईडी देना पड़ेगा, बीएलई का नाम, पीएलबी नाम, पीएलबी के बैंक का नाम, पीएलबी का खाता संख्या, आईएफएससी कोड, इन सारे इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, जिसके लिए आप मेरे टेलीग्राम में जा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में आप टेलीग्राम को ओपन कर सकते हैं और इस लिंक पर सिंपल सा आपको क्लिक कर लेना है। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियली पेज पर इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सिंपल सा कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सेव हो जाएगी और आने वाला कमीशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, टेली लॉ की सर्विस कुछ इस तरह की है। टेली लॉ का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह दिखता है। यहीं पर आप टेली लॉ के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। इन सारे रजिस्ट्रेशन को करने के लिए अब आपको सीएससी के थ्रू जो भी कमीशन दिया जाएगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में दिया जाएगा, उसी के लिए इस फॉर्म को फिल कराया जा रहा है। तो गाइस, यार ये छोटी सी जानकारी सीएससी बीएलई भाइयों के लिए, जहां पर उनके कमीशन को बढ़ा दिया गया। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप टेक गुप्ता हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहां पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बाय डेली अपडेट होती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।